अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद चान है। मेरी बच्ची की शादी 2022 में हुई थी साइफ अली खान से, सनाफ उमर अली खान, अनवर अली खान, सनाफ अनवर अली खान। 2022 सितंबर में शादी हुई थी। 20 दिन रहा, धोखा देके दुबई को भाग गए। कहाँ के रहने वाले थे? सनत नगर के। आपकी बच्ची की शादी उनके साथ में हुई? जी हाँ जी। 20 दिन रहा खाली? खाली 20 दिन रहा जी। कहाँ पे चले गए हो? दुबई को। पैसे भी दिए हमारे से, बच्चे से भी पैसे दिए, लेके दुबई भाग गए बगैर बोले। उसके बाद कांटेक्ट करे तो बात ही नहीं कर रहे थे। हाँ, आप मतलब बच्ची से, आप लोग से किसी से कोई बातचीत कर रहे थे जी? आप रोइए मत, आप बोलिए, आपका क्या है बयान, बोलिए जी, बोलिए। तो जाके चंदन गुट्टा पीएस में कंप्लेंट करे। कब करे थे आप ये? 2022 सितंबर में जी। करने के बाद में वो लोग एक्शन लिए, लेके वुमेन पीएस को भेजे, वहाँ पर केस बुक कराए हम। कितने दिन के बाद में कराए? एक महीने के बाद में कराए जी। केस बुक कराने के बाद वो लोग एक्शन लिए, लेके केस बुक करे जी। तो उसके बाद में ये दुबई से आया नहीं है। तो ये दुबई चले गए थे? दुबई चले गए। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कोई खुला तलाक होके गए थे क्या? नहीं नहीं, ऐसी भाग गए थे बगैर बोले जी। वजह क्या है भागने की? वो ये क्या है, ये सब लड़कियों के साथ ये ऐसी करने का इन लोगों का धंधा बन गया। अच्छा। पैसे लेना, बच्चों के साथ धोखाबाजी करना, उनके वीडियो लेना। तो वीडियो लिया था उसने? हाँ। अच्छा, क्या बोल के लिया वीडियो? वो पर्सनली रूम में फोन रख के वीडियो लिया था बच्ची जी। तो सारे बच्चियों के साथ ऐसी करता करते लोग जी। और भी एविडेंस है जी, बच्चियों के पास में और भी एविडेंस है। उनको डराता है, नहीं तो वीडियो में ही फॉरवर्ड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, मेरे को पैसे दो बोल के बच्चियों से पैसे लेता है जी। अभी 3 दिन पहले इन्होंने जैसे दुबई से सीधा नेपाल उतरा। ये दुबई से आ गए अभी हैदराबाद को आए? हाँ। तो कैसा है वो हैदराबाद एयरपोर्ट पे? एयरपोर्ट पे, हैदराबाद एयरपोर्ट पे आए तो अरेस्ट होते थे, नहीं आए उन्होंने, नेपाल उतरे। नेपाल काठमांडू? हाँ, नेपाल उतरे। नेपाल से बाई रोड दिल्ली गए, दिल्ली से ट्रेन पकड़ के हैदराबाद आए वो जी। तो हम लोगों को लगा के रखे थे, वो लोग हमको इन्फॉर्मेशन दिए, देने से हम जाके आज पुलिस के साथ जाके उनको अरेस्ट कराए। अरेस्ट कराने के बाद अभी उनको चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया। तो आप मीडिया के सामने आके बोलने का मकसद क्या है? हमको इंसाफ चाहिए। आपको पुलिस कोऑपरेट करी है? जी हाँ, बेशक पुलिस कोऑपरेट करी, शुक्रिया उनका। कौन से पीएस से आपको कराए थे आप ये केस? पहले चंद्रन गुट्टे से कराए, उसके बाद वुमेन पीएस जी। तो आप अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं आवाम को? अब हमारी बच्ची की जिंदगी खराब हुई, किसी और की बच्ची की जिंदगी खराब नहीं होना। अब आपकी बच्ची कहाँ है? हमारी बच्ची कुवैत में है। तो वहाँ जॉब करते हो? जी हाँ जॉब करते हो। तो पहले भी जॉब करते थे? नहीं, पहले नहीं करते थे, शादी के बाद में जॉब करना शुरू करे। उनकी जिंदगी अब ऐसी करके छोड़ दिया ना ही नहीं। उनको सैफ अली खान से कोई बच्चे वगैरह है? नहीं नहीं है बच्चे, कोई बच्चे नहीं है। 20 दिन रह के भाग गए आए। ठीक, तो आप आवाम से क्या करें, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम सिर्फ, हमारे लिए इंसाफ चाहिए और किसी की औलाद के साथ ऐसा ना हो ऐसा। आप एविडेंस बता सकते हैं? जी हाँ, एविडेंस है मेरे पास। क्या है आपके पास? केस करे सो है? ये कंप्लेंट करे सो है जी। ये मैरिज सर्टिफिकेट है जी। ये मैरिज बुक है। अच्छा, निकाहनामा? निकाहनामा है जी। पूरे हमारे पास एविडेंस है जी। ठीक, से हमको इंसाफ चाहिए और सब लोग होशियार रहिए धोखेबाजों से। शुक्रिया। अभी पुलिस उनको अरेस्ट कर लिए जी?